के दर्शकों नमस्कार दर्शकों, हम जैन नशिया से आपको लाइव दिखा रहे हैं और क्या प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर, क्या प्रोग्राम जैन साहब, क्या प्रोग्राम चल रहा है आज के कार्यक्रम के संयोजक जाए। आज पर्यूषण पर्व के दौरान गंगापुर सिटी के दिगंबर जैन मंदिर, नशिया जी दिगंबर जैन मंदिर, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जितने भी यहाँ जैन मंदिर हैं सबों में समेत उत्तम संयम धर्म का पर्व बनाया गया। आज शाम को सुगंध दशमी का पर्व बनाया गया। सभी जिनालयों में जिनेंद्र भगवान के समक्ष धूप देने का काम हुआ, अपने अष्ट कर्मों के नाश के लिए धूप यहाँ जो है खे गई। सारे जिनालय आज धूप से महक रहे हैं हमारे। आज दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी प्रांगण में हमारे दिगंबर जैन समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा सजीव झांकियों का आयोजन किया गया है, जिसमें से एक झांकी मानतुंगाचार्य, जो हमारे आचार्य मानतुंगाचार्य हुए हैं, उन्होंने जेल में भक्तामर स्त्रोत की रचना की थी, 48 काव्यों की रचना की थी, तो उनको प्रतिगत करते हुए आज एक झांकी उनके रूप में बनाई गई है। दूसरी झांकी भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की है, भगवान महावीर बालक रूप में पलना जुलाने का काम हो रहा है उनका, उसकी झांकी को सजीव रूप से उतारा गया है। और एक झांकी भगवान बाहुबली का जो तपस्या का दृश्य है वो उस झांकी में उतारने का काम हुआ है। हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए थे। आज ये पहली बार गंगापुर सिटी में दिगंबर जैन मंदिर में ये झांकियों का आयोजन किया गया है और लोग वहाँ बड़ा भारी उत्साह है। दर्शकों, हम आपको सजीव झांकी भी दिखाएंगे और कौन कौन सी झांकी है वो भी जैन साहब हमें बताएंगे। और सबसे पहले जो हम झांकी आपके ये आचार्य मानतुंगाचार्य हमारे जो झांकी आप दिखाने जा रहे हैं जैन साहब, ये आचार्य मानतुंगाचार्य जो हमारे जैन समाज के आचार्य रहे हैं। दीपक जी अशोक जी से निवेदन है, हाथ जोड़ के थोड़ी देर चुप रहे, ये माइक को रख दें थोड़ी देर, माइक को रख दें थोड़ी देर। आचार्य मानतुंगाचार्य जो भक्तामर स्त्रोत की काव्य की रचना कर रहे हैं जेल के अंदर, उसको उसके जो स्वरूप में जो है प्रतिकृत किया गया है, यहाँ पे चित्रित किया गया है, उसको उद्दलित करते हुए ये झांकी बनाई गई है सजीव झांकी। देखिए दर्शकों, एक तो ये जेल वाली हम आपको झांकी दिखा रहे हैं, जेल का जो दृश्य बनाया गया है झांकी में। और दूसरी जो झांकी है भगवान महावीर जी का जन्म दिखाया गया है। दूसरी झांकी ये बालक स्वरूप में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक जो बनाया जाता है, उसे पालना जलाने का काम हो रहा है। इंद्राणी उनको पालना जला रही है, अष्ट कुमारियाँ जो है उनको पालना जला रही है, उसका दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है। भगवान महावीर जी का जन्म उत्सव दिखाया गया है इस झांकी के अंदर, सजीव झांकी दिखाई गई है। ऊपर नाम दिख रहा है उसका, और हम तीसरी भी आपको झांकी दिखाएंगे, भगवान जन्म कल्याणक। और तीसरी भी हम आपको झांकी दिखाएंगे, लोगों में काफ़ी उत्साह है और झांकियों को देखने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। और मतलब ये झांकी ये भगवान बाहुबली की झांकी है, और ये जो है भगवान बाहुबली ये तप कर रहे हैं, और तप करते करते लगातार 6 महीने तक उन्होंने तप किया, तो स्थिति ये हो गई कि उनके पैरों पर बेले चढ़ने का काम हो गया, और जो क्या नाम है जीव जंतुओं ने बिल बना लिए, ऊपर तक बिल चढ़ने का काम हो गया जो है वो एक चित्रण यहाँ पर किया गया है झांकियों के रूप से। देख रहे हैं दर्शकों, आपको जैन नशिया में ये सजीव झांकियाँ, आकर्षक झांकियाँ सजाई गई हैं। सजीव झांकियाँ बाहुबली भगवान आप देख रहे हैं, तब करते हुए तेल पौधे भी उग गए हैं उनके शरीर पर। और जैन साहब, और क्या क्या प्रोग्राम होंगे आज जिनालय में? आज उत्तम संयम का दिन है, और आज सभी जिनालय में सुगंध दशमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हमारी महिलाओं ने, पुरुषों ने निर्जला उपवास भी रखा है आज बहुत सारी महिलाओं ने सुगंध दशमी के अवसर पर। और आज सभी जिनालयों में जाकर जैन धर्मावलंबी सुगंध दशमी के अवसर पर धूप खेने का काम कर रहे हैं, धूप खे रहे हैं, और अपने अष्ट कर्मों के नाश के लिए अपने आत्मा में विराजमान अष्ट जो अष्ट कर्म होते हैं उनको नाश करने के लिए ये भगवान के समक्ष धूप खेने का काम हुआ। तमाम जिनालय हमारे सुगंधित हो उठे हैं, महक उठे हैं सुगंध दशमी की खुशबू से, सुगंध की खुशबू से। आज यही कार्यक्रम है और उत्तम संयम धर्म आज हर्षोल्लास के साथ बनाया गया, संयम धर्म मनाया गया। आज यही कार्यक्रम है और कल पुनः फिर लगातार निरंतर 4 दिन तक चतुर्दशी तक, अनंत चतुर्दशी तक हमारे पर्यूषण पर्व जहाँ लगातार चलेंगे, उसमें नित्य नए 10 लक्षण के 10 पर्व लगातार बनाए जाएंगे और नए नए कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे दिगंबर जैन समाज की ओर से। देखना दर्शकों, जैन नशिया में आकर्षक झांकी सजाई गई है और काफ़ी लोग देखने के लिए आ भी रहे हैं। आज के इन
झांकियों के प्रोग्राम के संयोजक श्रीमान लोकेश जी सोगानी, सूरज जी गंगवाल, मंगल जी जैन, इनको ऊर्जा देने वाले हमारे समाज के कार्यकारी प्रमुख प्रवीण जी गंगवाल, जी मोदा, देवेंद्र जी पांडा, आर एस जी गंगवाल, इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा इनको ऊर्जा देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। हेलो, सभी महानुभावों से अनुरोध है कि ये झांकियां दिगंबर जैन समाज के सहयोग से बनाई गई है। इसमें अधिक से अधिक सहयोग राशि प्रदान करके कार्यक्रम को सफल बनाए और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्रदान करें, जिससे हर साल नई से नई झांकी बना सके और नए प्रोग्राम बना सके। और कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, दिगंबर जैन समाज के इस समय दशलक्षण जी पर्व चल रहे हैं, इसी क्रम में आज उत्तम संयम धर्म मनाया जा रहा है, जिसके तहत सुगंध दशमी में दोनों तीनों मंदिरों में, दिगंबर जैन तीनों मंदिरों में धूप, सभी समाज के लोगों द्वारा धूप खेवन किया गया है, तथा आज नशिया जी मंदिर में सुगंध दशमी के अवसर पर धार्मिक झांकी लगाई गई है, जिनमें एक झांकी में तो मांगतुंगा आचार्य, जिन्होंने भक्तामृत स्रोत की रचना की है, उनकी झांकी सजाई गई है, जिसमें वो भक्तामृत स्रोत की रचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी भगवान के जन्म कल्याणक की झांकी लगाई गई है, जिसमें उनके माता पिता उनको झूला झुला रहे हैं और भगवान को झूला झुला रहे हैं। और तीसरी झांकी भगवान बाहुबली भगवान की जो है तपस्या करते हुए की झांकी लगाई गई है। सभी दिगंबर जैन समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने मंदिरों में धूप खेई तथा इस कार्यक्रम का आनंद लिया। अनंत चतुर्दशी तक चलेंगे प्रोग्राम? हाँ, अनंत चतुर्दशी तक ये दशरथ जी अनंत चतुर्दशी तक कला लेंगे, उसमें कलश होंगे। इसके अलावा क्षमावाणी पर्व 30 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसमें सामूहिक रूप से गोट का आयोजन किया जाए, सामूहिक भोज भी किया जाए और उसी दिन सामूहिक क्षमावाणी मनाई जाएगी। देख रहे हैं दर्शकों, जैन नशिया से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और आकर्षक झांकियाँ यहाँ पर सजाई गई है। ये झांकियां दिगंबर जैन समाज के